हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEESPRT पोस्ट की, जिसका कि रिजल्ट हमारा 15 जून को डिक्लेयर हो गया था। आई होप आप सभी ने अपने स्कोर को देख लिया होगा। अब लेकिन उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, वह होती है हमारी स्किल टेस्ट। तो उसी के बारे में मैं आप सभी के बीच वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि हमारा स्किल टेस्ट में क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे उसमें स्टेप होते हैं, उसके बारे में डिटेल एकदम सटीक और स्टेप बाय स्टेप आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आपको पेशेंस रख के पूरे वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो आपके मन में डाउट क्रिएट होना एकदम तय है। इसीलिए मैं देर ना करता, सबसे पहले मैं बढ़ता हूं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो कि है हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात आती है कि हमारा स्किल टेस्ट कहां पर कंडक्ट कराया जाएगा, किस सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और मैं बात करूं दूसरी बात है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो भी आपको मुझे पता लगा है, उनके द्वारा जो मैसेज आया है, मैं उसी के बेस पर आप सभी को स्किल टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। मैं कोई फर्जी बातें नहीं बताता हूं, इसीलिए मैंने आप सभी से समय मांगा था कि मुझे एक दो दिन का समय दे दीजिए। बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सिटी जहां पर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, वो केवल और केवल एक ही सिटी में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, अनुशक्ति नगर मुंबई, जो कि साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में AEES के द्वारा मेंशन किया गया था, अनुशक्ति नगर मुंबई में ही आपका स्किल टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। अब दूसरी बात आती है, जैसे हमारे KVS में होता है, KVS में हमारा जो इंटरव्यू होता है उसमें भी आपको मास्क दिए जाते हैं, जो आपने CBT मोड में मास्क को गेन किया होता है उसके मास्क को, दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट बनाई जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको यह जो भी है आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है स्किल टेस्ट, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर आपने अच्छा सा स्किल टेस्ट दिया तो आपकी नौकरी समझ लीजिए पक्की, इसीलिए इसमें कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। गो नो गो बेसिस, मतलब कि अगर आपका स्किल टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ तो समझ लीजिए आपकी जॉब पक्की है। लेकिन अगर आपका स्किल टेस्ट किसी भी कारण के वश आपका नहीं अच्छा हो पाता, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो समझ लीजिए आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए इसे कहा गया है गो नो गो बेसिस पर। अब बात आती है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा तो आपका इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट। अब काफी लोग कहेंगे कि चॉक और बोर्ड मैंने क्यों लिखा है, तो ऐसा ही AEES ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी मेंशन किया है, जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो चॉक और बोर्ड बेस्ड पर ही टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि अब आपके पास वहां पर हो सकता है ग्रीन बोर्ड चॉक हो या व्हाइट बोर्ड मार्कर हो या फिर डिजिटल बोर्ड का भी आप जमाना है, तो हो सकता है उस पर आपको स्किल टेस्ट, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपको टीचिंग करनी है, आपको उस बोर्ड पर कराया जाए। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्किल टेस्ट के बाद आपकी कोई भी फाइनल मेरिट नहीं आने वाली है, जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में अच्छे से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जो भी मेरे मैंने आपको कटअप बताई है, जो उसके आसपास में भी है, वो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, तो हमारी कोई भी फाइनल मेरिट नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्टेप होते हैं स्किल टेस्ट के और जो हमारा प्रोसेस होता है, तो अब सही से और गौर से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि आपको जब भी स्किल टेस्ट होगा उसके पहले आपको एक नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि कितने बजे से आपका स्किल टेस्ट शुरू होने वाला है और आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके बारे में जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसका वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन जो भी अभी जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो चुके हैं और जो PGT TGT में भी सेलेक्टेड हुए, उसके बेस पर मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा आपको पहुंच जाना है कहां पर, अनुशक्ति नगर मुंबई। वहां पर आपको कॉलेज मेंशन होगा, वहीं पर आपको जाना है। जैसे ही आप जाएंगे आपका सबसे पहले जो काम होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा।
और डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। कल ही मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जिनके अच्छे स्कोर जो मेरिट लिस्ट में बन रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है, वो जरूर पीवीसी को बनवा लें। क्योंकि काफी लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है पीवीसी लेकर नहीं जाना है, तो आपसे अनुरोध है कि आप बनवा लीजिए, मेरी बात को मानिए। क्योंकि साफ साफ AWS ने मेंशन किया है कि आपको चाहिए जिस दिन स्किल टेस्ट है उस दिन आपके पास हमारे पीवीसी होना चाहिए। लेकिन मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर जाने हैं स्किल टेस्ट में। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका टॉपिक। अब बात आती है टॉपिक। क्या टॉपिक? मतलब कि जो भी आपको टीचिंग करनी है उसके लिए टॉपिक। तो इसकी बात आप गौर से सुनिएगा। टॉपिक के लिए अभी जो PGT TGT जो हमारे पोस्ट में जो भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उनका जो प्रोसेस था वो ये था कि आपको एक टॉपिक घर से प्रिपेयर करके जाना है। कौन सा? एक टॉपिक आपको घर से सेल्फ प्रिपेयर करके जाना है, जो कि आपका केवल और केवल NCERT बोर्ड की बुक से ही होना चाहिए। PRT लेवल है तो क्लास 5th तक आप मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की और हिंदी की, ये सभी के आप एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन आपको NCERT बोर्ड को ही प्रेफरेंस देनी है, NCERT बोर्ड से ही आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है। लेकिन जो आपको दूसरा टॉपिक दिया जाएगा, सबसे बड़ा खेल आपका दूसरे टॉपिक में है। क्योंकि एक टॉपिक तो आप घर से प्रिपेयर करके जाएंगे, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है वो आपकी पसंद का नहीं होगा। वो टॉपिक आपको AWS के द्वारा ही दिया जाएगा। जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा उसी दिन आपको दूसरा टॉपिक को दिया जाएगा। आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में एक वहां पर रखा होगा जार। क्या? एक वहां पर जार रखा होगा, उसी जार में काफी सारे स्लिप रखी होंगी, उसी स्लिप में टॉपिक्स लिखे होंगे। आपसे कहा जाएगा उसमें से एक स्लिप को निकालिए और देखिए उसमें क्या टॉपिक है। सपोज आपने एक स्लिप को उठाया और उस स्लिप में निकला क्लाइमेट, क्लाइमेट आपका रहा टॉपिक। अगर आपको वह टॉपिक पसंद नहीं आता है तो आपसे कहा जाएगा आप सेकंड चांस दोबारा से निकाल सकते हैं। तो आप दोबारा से क्या करेंगे, स्लिप को निकालेंगे। लेकिन आपको दोबारा निकालने के बाद जो भी टॉपिक आएगा आपको वही लेना पड़ेगा। आपको कोई थर्ड चांस नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम और मैक्सिमम केवल आपको दो चांसेस दिए जाएंगे आपको टॉपिक पिक करने के लिए। बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। जार में स्लिप्स होती है, स्लिप में लिखे होते हैं टॉपिक और आपको स्लिप उठानी होती है। मैक्सिमम आपको दो चांसेस दिए जाते हैं टॉपिक को पसंद करने के लिए, थर्ड चांस आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए टॉपिक को चूज करने में सावधानी रखिएगा और अच्छे से टॉपिक को देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपको टॉपिक मिल जाएगा उसके बाद आपको केवल और केवल 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का? केवल और केवल 30 मिनट का समय दिया जाएगा जो भी टॉपिक आपकी स्लिप में निकलेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। आप चाहे जहां से प्रिपेयर करें लेकिन 30 मिनट में उसका प्रेजेंटेशन आप लोग रेडी कर लीजिए, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी टॉपिक को आपको जैसे ही आप लोग, अब इसके बाद आपको टॉपिक प्रिपेयर हो गया, 30 मिनट के बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपका सबसे पहले वहां पर क्या लिया जाएगा, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपका होगा इंट्रोडक्शन। अब बात आएगी, काफी बच्चे पूछेंगे इंट्रोडक्शन क्या मैं हिंदी में दे सकता हूं या केवल इंग्लिश में। तो इंट्रोडक्शन आप दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लेकिन मेरी बात माने, जो भी एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के द्वारा मुझे पता लगा है, और जो भी मेरी जो आपकी सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, केवल और केवल इंग्लिश में दीजिए। क्योंकि आपको जो इम्पैक्ट पड़ेगा कमेटी के सामने, वहां पर आपका पैनल वर्ड को यूज नहीं किया गया है AWS के द्वारा, कमेटी वर्ड को यूज किया गया है। वहां पर कमेटी में लगभग लगभग 5 से 6 मेंबर्स होते हैं, उनके सामने जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इंग्लिश में अपने इंट्रोडक्शन को देते हैं तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद आपसे जैसे ही आप इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बारे में कभी कभी क्या होता है, बच्चा हो जाता है काफी प्रेशर में आ जाता है, अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो वो लोग जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो
एनवायरमेंट को बराबर करने के लिए, एनवायरमेंट को कूल करने के लिए बच्चे से जनरल क्वेश्चन को भी पुट कर लेते हैं। काफी बार ये भी पूछा गया है कि आप बताइए किस कन्वेंस के द्वारा आए हैं, बस से आए हैं या कार से आए हैं या फिर आप बाई ट्रेन आए हैं, तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट, लेकिन इसके बाद जो आता है वो है सबसे खतरनाक, वो होती है आपकी टीचिंग। इसके बाद आपकी टीचिंग होती है चौक एंड बोर्ड पर, मतलब आपको बोर्ड पर जाके आपको टीचिंग स्किल्स को अपनी दिखानी है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखानी है। तो सबसे बाद इसके बाद आपको क्या दिखाना है, टीचिंग स्किल और पर्सनैलिटी। लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैं उसके बारे में वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आज मैं केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूं। आपकी वहां पर चौक और बोर्ड पर अपने टीचिंग करनी है, तो मैंने बताया था क्या कि एक टॉपिक तो आपको घर से प्रिपेयर करके जाना है और एक टॉपिक आपको उसी दिन दिया जाएगा जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा AEEE के द्वारा, और उसको प्रिपेयर करने के लिए केवल आपको 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, जो भी एक बच्चे का स्किल टेस्ट होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको केवल 20 मिनट ही दिए जाएंगे, केवल और केवल मैक्सिमम 20 मिनट का ही स्किल टेस्ट होगा प्रत्येक बच्चे का, जिसमें से आपको जो एक टॉपिक आप घर से प्रिपेयर करके आए हैं और एक टॉपिक जो कि AEEE के द्वारा उसी दिन दिया जाएगा, दोनों ही टॉपिक को आपको वहां पर टीचिंग करनी है और टीचिंग आपको कमेटी के सामने कम से कम 5 से 6 मेंबर के सामने आपको टीचिंग करनी है। तो आपको मैक्सिमम कितना समय दिया जाएगा, 20 मिनट। मतलब ये मान के चलिए एक टॉपिक को समझाने में केवल और केवल 8 से 10 मिनट दिए जाएंगे, दूसरे टॉपिक को भी 8 से 10 मिनट। लेकिन कभी काफी बार ये भी देखा गया है काफी बच्चों का 15 से 17 मिनट के बीच में ही स्किल टेस्ट को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम कितना रहेगा, 20 मिनट का स्किल टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चौक और बोर्ड पे टीचिंग स्किल के साथ साथ में पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी में आप लोग थोड़ा सा समझाने में टीचिंग करनी है उसमें हेजिटेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग काफी बार जो आपकी जो बोर्ड स्किल्स होती है वो भी आपकी वीक रह जाती है, तो जो कम्युनिटी होती है वो आपको पकड़ लेती है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर किस पोस्चर में खड़े हो रहे हैं, आपकी वॉइस क्या है, आप जो लेटर्स बना रहे हैं वो क्लियर लेटर है, आपकी राइटिंग क्या है, ये सभी जो भी हम आपकी बोर्ड स्किल है इन सभी को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी टीचिंग खत्म हो जाएगी तो आपको यह बात ध्यान रखनी, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको बोर्ड को इरेज करके ही आपको रूम से बाहर जाना है। अगर आपने बोर्ड को इरेज नहीं किया है तो आपका जो इम्पैक्ट रहेगा कमेटी के सामने वह इम्पैक्ट आपका बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही आपकी टीचिंग खत्म हो जाए आप बोर्ड को इरेज करके ही रूम से बाहर एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि आपको वहां पर स्किल टेस्ट जब भी आपका होगा मैक्सिमम 20 मिनट का, उस 20 मिनट में आपको एनवायरमेंट एकदम कैसे रखना है, बिल्कुल रियल क्लासरूम एनवायरमेंट रखना है, जैसा कि क्लासरूम का एनवायरमेंट होता है। हालांकि जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरमेंट देती हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपका स्किल टेस्ट जाएगा। अब कुछ और बातें भी जान लेते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा और हमेशा आपका हाई रहना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। पूरे 20 मिनट की आप लोग तैयारी करके रखिए कि आप लोग कैसे टीचिंग वहां पर करेंगे। नेक्स्ट बात आती है, आप जो एक टॉपिक घर से प्रिपेयर करके जाएंगे उसके लिए आप घर से कुछ अपने टीचिंग एड्स को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अब आपका टॉपिक क्या है उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका टीचिंग एड क्या हो सकता है, तो आप टीचिंग एड को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे टीचिंग एड को अपने साथ लेकर जाएं, तो वहां पर जब आप टीचिंग एड के थ्रू अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे, समझाएंगे कमेटी को, तो बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा।
नेक्स्ट बात आती है ड्रेस कोड की। जितने भी बच्चे टीचिंग में हैं और इंटरव्यू के केवीएस पीआरटी में भी जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या एडब्ल्यूएस में, तो उनको बताने की शायद जरूरत नहीं है कि ड्रेस कोड आपको इंटरव्यू वाला रहना है। बिल्कुल आपको पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने, इसलिए आपका ड्रेस कोड भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, मैक्सिमम और मैक्सिमम आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो आपका 20 मिनट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि 20 मिनट ही होगा, हो सकता है 15 से 17 मिनट के बीच में ही आपका स्किल टेस्ट को खत्म कर दिया जाए, या आपका 20 मिनट के आसपास में भी जा सकता है। यह है हमारा पूरा आपका जो प्रोसेस। लेकिन काफी बच्चों के मन में यह बात भी आ रही है, क्या ग्रुप डिस्कशन वहां पर स्किल टेस्ट में कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कंडक्ट कराया जाएगा? जैसा कि पता लगा है पीजीटी और टीजीटी में तो ऐसा ग्रुप डिस्कशन कुछ भी नहीं करवाया गया है। हो सकता है पीआरटी में ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाए, लेकिन अभी से अभी कुछ भी कहना ये नहीं कि 100% मैं कह दूं कि होगा ग्रुप डिस्कशन, लेकिन आप तैयारी को अपने उस हिसाब से करिए। बाय चांस आपका ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाता है तो आपको उसमें से कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन जैसे ही कोई खबर मिलती है तो सबसे पहले मैं अपडेट आपके बीच लेकर आऊंगा। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं पूरे यूट्यूब में आपको AWS के स्किल टेस्ट के बारे में इतना डिटेल में शायद किसी ने बताया होगा, और भी मैं आपको लिए वीडियो लेकर आता हो रहूंगा। जैसे कि काफी बच्चे मैसेज करेंगे डॉक्यूमेंट के लिए, तो पूरे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मैं कल। लेकिन अगर आपको इन प्रोसेस में मेरे द्वारा कोई भी एक आधा स्टेप रह जाता है तो आपसे पहले से मैं क्षमा मांग लेता हूं। हो सकता है कि मुझसे कुछ रह गया हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी स्टेप आपका नहीं छूट पाया है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन करे हैं तो सबसे पहले जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी एग्जाम टीचिंग एग्जाम की जो अपडेट होती है सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करी जाती है, कोई न्यूज होती है सबसे पहले आपको प्रदान की जाती है। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको पिंड है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था स्किल टेस्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।